दोस्तों फिर से शुरू हो चुकी है एक और जर्नी और अभी मैं हूँ करंटली मुरादाबाद जंक्शन पर और आप ये पूरा सीन देख सकते हो मेरे पीछे। और काफी टाइम बाद फिर से एक और सफर पर निकल चुका हूँ और इस बार जो सफर है वो होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए, क्योंकि ये जो सीजन है ना, मतलब अभी गर्मी आ चुकी है, छुट्टी आ चुकी है, तो काफी लोग प्रीफर करते हैं वहाँ पे जाना। आई थिंक जो वॉइस है वो उसको क्लियर आ रही होगी, थोड़ा नॉइज है यहाँ पर, तो चलते हैं अंदर और एंट्री करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से पहले दिल्ली जाऊंगा और फिर दिल्ली से पकड़ूंगा नेक्स्ट ट्रेन जो कि कटरा जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो ट्रेन थी ना, है तो दो ट्रेनें चलती है, बट क्योंकि उनमें जो सीट्स थी वो अवेलेबल नहीं थी तो मजबूरी थी, क्या ही कर सकते हैं। तो खैर अभी चलते हैं और आपको एंट्री करके दिखाते हैं। तो गाइस ये है टिकट काउंटर अनरिजर्व और उधर है रिजर्व, तो आप दोनों में से कहीं से ले सकते हो, यहाँ से करते हैं मैं एंट्री। तो गाइस अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर एस्केलेटर की मदद से, और यार मेरा चश्मा रह गया, कोई नहीं, अब रह गया तो रह गया। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है और इसमें जर्नी करने का रीजन ये है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से जो लिंक का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। तो अभी जो ट्रेन आ रही है ये हमारी रामनगर लिंक, जो कि संपर्क क्रांति का लिंक है। तो गाइज ये देख सकते हैं आप यहाँ से, अभी ये हो जाएगा डी अटैच और हमारा कोच है इस बार D13। तो अभी हम लिंक में बैठे हैं, ये लिंक एक्सप्रेस 25036 जो यहाँ से अब मेन ट्रेन जो कि आगे मेन ट्रेन उससे कनेक्ट होके चलने वाली है। सो गाइज 12:33 पे अपनी जो ट्रेन है ना वो यहाँ से निकल चुकी है, कहाँ से, मुरादाबाद जंक्शन से। और गाइज हमारे साथ ही अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन ने भी डिपार्चर लिया है, देखते हैं कौन ओवरटेक करेगा, हम या अवध असम। वैसे तो हम ही करेंगे, हम संपर्क क्रांति हैं और सामने है अवध असम, बिल्कुल पैरेलल रन हो रहा है इस समय। वो निकली है प्लेटफॉर्म 2 से और हम निकले हैं प्लेटफॉर्म 4 से। तो इंडिया की डेली लॉन्गेस्ट ट्रेन के साथ हमारा पैरेलल डिपार्चर। सो गाइज फाइनली हमने ओवरटेक कर दिया है डेली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन अवध असम को, क्योंकि हमें संपर्क क्रांति तो ये होना ही था। अवध असम को हमने कर दिया है यहाँ ओवरटेक। फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है अमरोहा रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है AMRO। 3 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, 48 ट्रेन का स्टॉप यहाँ देखने को मिल जाता है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का जो स्टॉप है वो रहने वाला है। मैम ये मुरादाबाद जंक्शन पर जब ट्रेन अराइव हुई थी ना तो उसके बाद से ही गायब है जी। मैम जब तो गाइस पता नहीं क्या हो चुका है मुरादाबाद डिवीजन को, कहीं पर भी 110 देखने को नहीं मिलता, बस 100। अभी हम कांगड़ एयर को स्किप कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कांगड़ एयर को स्किप कर रहे हैं और ट्रेन बस 100। पहले कभी यहाँ 110 देखने को मिलता था बट अभी पता नहीं क्या हो गया है, और स्किप दिखाता हूँ मैं आपको 100 पर। तो गाइस अभी हमारा जो सफर है वो चल रहा है, बस गढ़ मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना आपको जो ब्रिज है वो दिखाया जाए, गंगा माता के दर्शन कराए जाए। तो दिखाता हूँ मैं आपको, काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, बस यही नुकसान है 2S का, और ब्रिज आ चुका है तो मैं ब्रिज भी दिखा देता हूँ।
गाइस मुझे ने बता दी तो गाइस अभी हम रुक चुके हैं आध्यात्मिक नगर पर, कोई स्टॉप तो है नहीं बट फिलहाल रोक दिया गया, तो हो सकता है मे भी आगे जो सिग्नल मतलब लाइन है वो क्रॉस खाली नहीं है, जिस वजह से अभी हमें यहाँ रुकना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बड़ी दिक्कत सबसे पीछे है हम, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा खाने पीने के लिए, यानी कि पानी की भी बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पीछे कोच होने का बस यही नुकसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है D13 और इसके आगे कुछ नहीं है। एंड मेहरोली पर रुको हैं, यानी कि बस जस्ट आगे गाज़ियाबाद है आध्यात्मिक नगर, मैंने आपको गलत बता दिया। तो प्लेटफॉर्म 2 पर अभी हम रुको हैं। तो गाइस अपना अराइवल हो रहा है गाजियाबाद जंक्शन पर और शायद प्लेटफॉर्म दूसरी साइड है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल दूसरी साइड है, देखते हैं। सो गाइस अभी हमारा अराइवल हो रहा है गाजियाबाद जंक्शन पर, समय से लगभग 10 मिनट लेट आया हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं किसकी इंतज़ार में है, क्योंकि हम तो आगे जाके टर्मिनेट हो जाएगी भाई ट्रेन, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो गाइस फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है गाज़ियाबाद जंक्शन से, और जंक्शन है क्योंकि यहाँ से मेरठ के लिए और प्लस कानपुर के लिए और मुरादाबाद के लिए जो ट्रैक है वो निकल जाते हैं, और इधर है गुड्स शेड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनलोडिंग लोडिंग हो रही है। खैर अब हम निकलते हैं यहाँ से, हमें अब कोई इतनी टेंशन नहीं है और सामने लोकल ट्रेन भी आ चुकी है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर को और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और उधर सेकंड ब्रिज का काम चल रहा है अभी, जो कि काफी स्लो है बट आप ठीक है, ठीक चल रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो किस तरीके से यमुना की जो सफाई है वो की जा रही है। तो इस तरीके से जो कचरा है वो साफ किया जा रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। इस तरीके से दोस्तों यमुना को साफ किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। सो गाइस अपना अराइवल हो रहा है पुरानी दिल्ली, और हमने लाल किला भी देख लिया। अरे और सामने सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन का रैक खड़ा है। तो गाइस अभी एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए अभी हम सर के साथ जा रहे हैं, आप देख सकते हो, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा विस्तार में थोड़ी देर में। तो गाइस करनी वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, मैं हूँ अभी दिल्ली जंक्शन पर और ट्रेन ने पहुंचाया पूरा आधा घंटा लेट,
और ये जनरली आधा घंटा लेट चलती है। तो अगर आप कभी भी इससे अपनी जर्नी प्लान करें या फिर कोई कनेक्टिंग ट्रेन सोचें तो आधे घंटे का जो मार्जिन है वो जरूर रखना, अदरवाइज आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताने वाला था क्या प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैं मुरादाबाद से बोर्ड किया तो जो मेरा पर्स था वो गायब हो गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, यानी कि मेरे जो आईडी प्रूफ थे। तो बस फिर मैंने कंप्लेंट करी, ट्विटर पे कंप्लेंट करी, 139 पर कंप्लेंट करी, और कंप्लेंट करने के बाद में फिर ट्विटर पर एक्शन लिया गया और 139 दोनों से ही एक्शन ले लिया गया। मेरे पास बैक कॉल आई, मैंने उनको समझाया, फिर ट्रेन जब तक अमरोहा पहुँच चुकी थी, फिर आगे जो स्टॉप था गाज़ियाबाद, तो वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने मुझको मतलब जो भी कार्रवाई होनी थी वो बताया कि कैसे कैसे होनी है। ट्रेन वहाँ पर भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, तो इसलिए मैं फिर पहुँचा दिल्ली। तो यहाँ पर मुझे दिल्ली में फिर से अटेंड किया, यहाँ पर जो आरपीएफ ऑफिसर थे उन्होंने अटेंड किया, फिर उन्होंने मुझे जीआरपी ऑफिस तक पहुँचा दिया, फिर वहाँ पहुँचा मैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट करी और उसके बाद में मैंने अपनी जो रिसीविंग है वो ले लिया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, और ये होना बहुत मतलब क्या ही बताएं, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिलहाल ये जो जर्नी थी बहुत बेकार थी, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि भीड़ इतनी है, जो अनरिजर्व पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब जो रिजर्व पर्सन है वो तो थे ही, प्लस अनरिजर्व की वजह से पूरे जो गेट है वो चौक थे और जो गैलरी थी वो भी चौक थी, जिस वजह से बड़ी ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी पूरी जर्नी में। तो बस इस बात को आप ध्यान रखते थे, इस ट्रेन में अगर आप कभी भी कंसिडर करें ट्रैवल करना तो चेयर कार से कम, यानी कि आप एसी चेयर कार के अलावा सेकंड सीटिंग में अवॉइड ही करना, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिस वजह से आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।